नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं एक्सप्लोरर सचिन अपने सभी नए पुराने दर्शकों का अभिनंदन स्वागत करता हूँ, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है वो अभी कर लें और चैनल के साथ जुड़ जाए। आज का विषय है 5 फरवरी से मंगल मीन राशि को छोड़कर मेष राशि में जा रहे हैं, तो कुंभ राशि वालों के जीवन में क्या कुछ परिणाम लेके आएंगे मेष राशि के मंगल। मंगल की दो राशियां हैं, मेष और वृश्चिक, लेकिन इन दोनों में से मेष राशि जो है मंगल को थोड़ी ज्यादा पसंद है, और मंगल की घर वापसी हो रही है, अपने ही घर अपनी ही राशि में वापस आ रहे हैं। बहुत घूम लिया इधर उधर, घूमकर बाहरी सुख लेकर जब इंसान अपने घर वापस आता है तो उसे बड़ा आनंद मिलता है, आराम मिलता है, और उसको लगता है कि अब मैं खुलकर जी सकता हूँ। जीवन में घर के बाहर जाकर आप कितना भी पैसा, कितना भी समय बिता लें, कुछ समय का आनंद जरूर होता है, लेकिन कुछ समय के बाद ऐसा लगता है कि काश घर चले जाएं। और घर में जो खुशियाँ थी, परिवार का जो माहौल था, माता जी के हाथ की जो सुंदर मुलायम रोटियां खाने को मिलती थी, बढ़िया भोजन का आनंद होता था, जो गहरी नींद आती थी, वह पैसा खर्च करके कुछ दिन तक तो आती है लेकिन कुछ दिनों के बाद नहीं आती है। यानी कि घर वापसी जो है वो हर एक इंसान को अच्छी लगती है, महिला हो, पुरुष हो, ग्रह हो, सितारे हो। आपने बहुत सारे सीरियल्स देखे होंगे जहाँ पे भगवान भी जब अपने घर जाते हैं तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। तो जब भगवान को घर वापसी पसंद है तो इंसान को तो पसंद होगी ही। घर से प्यार जुड़ा होता है, घर से आज़ादी जुड़ी होती है, घर से लगाव होता है, इसलिए घर पसंद होता है। तो ऐसे ही मंगल जब अपने घर वापस आएंगे तो कुंभ राशि वाले जातक जातिकाओं को क्या कुछ देंगे, इस विषय पर चर्चा करते हैं। 5 फरवरी से 22 मार्च 2019 का समय कैसा रहेगा कुंभ राशि वालों के लिए, ध्यान से सुनिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा ताकि और लोगों को जानकारी मिल सके। मंगल कुंभ राशि में तृतीय भाव में गोचर करेंगे, पराक्रम भाव में, भाई बहन का घर है तृतीय भाव। मंगल कुंभ राशि में तृतीय भाव में गोचर करेंगे, पराक्रम भाव में मंगल का गोचर, यानी तृतीय भाव में मंगल का गोचर आपके जीवन पर क्या प्रभाव लेकर आएगा कुंभ राशि के जातक जातिकाओं के ऊपर। मंगल की तीन दृष्टियां, चौथी, सातवीं, आठवीं, जब यह चौथी, सातवीं और आठवीं दृष्टि से देखेंगे तो जिन भावों को देखेंगे उन भावों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, ताकि आपके जीवन में मंगल की इन दृष्टियों से और मंगल के इस गोचर से जो भी प्रभाव है उसकी जानकारी आपको मिल जाए। यह समय आपके लिए बहुत ही बेहतर है। जो भी प्रतिभाशाली लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, और जो बड़ी बड़ी कंपनियों में कार्यशील हैं, नौकरी कर रहे हैं, कॉरपोरेट में काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए यह समय बहुत ही बढ़िया है। आपका जो माहौल है वह बहुत बढ़िया रहेगा काम का, आपको विशेष सफलता मिलेगी, सफलता के तौर पे प्रमोशन हो सकती है, विदेश यात्रा भी हो सकती है, आपको विदेश में सेटलमेंट होने के ऑफर मिल सकते हैं, और पदोन्नति मिल सकती है, पैसा बढ़ना निश्चित है, और आप अपनी प्रतिभा और अपने काम के हुनर के बल पर यह सब कुछ पाएंगे। यानी कॉरपोरेट जगत में काम करने वाले महिला पुरुषों को अच्छा लाभ होता दिखाई पड़ रहा है। आपके घर में शुभ लाभ की स्थिति बनेगी, मंगल आपके बाहुबल को बढ़ाएगा, आपके ऐश्वर्य को बढ़ाएगा, आपके शत्रुओं को नाश करके शत्रुओं पर आपकी विजय कराएगा, भाई बहनों का प्रेम बढ़ेगा, लेकिन क्रोध भी बढ़ेगा, तो क्रोध से आपको बचना होगा। यदि आप नौकरी में बदलाव चाहते हैं तो बेहतरीन समय है, आपकी पदोन्नति हो सकती है, आप जो नई नौकरी में जाएंगे वहां पर बहुत अच्छी हाइक मिल सकती है, आपकी सैलरी बहुत ज्यादा हो सकती है, आप चाहे तो एक फील्ड को छोड़कर दूसरी फील्ड में भी जा सकते हैं। मंगल की चौथी दृष्टि छठे भाव पर है, यहां पर मंगल पेट संबंधी रोग व नए शत्रु पैदा करने का काम करता है। आप शत्रुओं पर तो विजय प्राप्त कर लेंगे लेकिन आपको नए नए शत्रुओं का सामना करना पड़ेगा, यानी एक शत्रु खत्म तो दूसरा आया और वो भी खत्म, तो ऐसी स्थिति चल सकती है कुछ समय तक, लेकिन आप सभी शत्रुओं को, सभी बाधाओं को नाश करते हुए तरक्की करेंगे।
जलने वालों की कमी नहीं होगी, आपकी तरक्की से लोग जलते रहेंगे, लेकिन आप आगे बढ़ते रहेंगे। मंगल यहां पर वाद विवाद वाली स्थिति को पैदा करता है, झगड़े पैदा करता है। आप विजयी जरूर हो जाएंगे, आप शत्रुओं का नाश जरूर कर देंगे, लेकिन परेशान हो सकते हैं। झगड़ों से आपकी जो थोड़ी सी परेशानी है, थकावट है, आपकी जो चिड़चिड़ापन है वह बढ़ सकता है। तो इसलिए झगड़ों को, वाद विवाद को बिल्कुल इग्नोर करें, उनसे बचने का प्रयास करें। आपके ऊपर कर्जे चढ़ सकते हैं, आपको पैसा उधार लेना पड़ सकता है, इस स्थिति से आपको बचना चाहिए। बहुत ज़रूरत हो तो बैंक से पैसा उधार लें, किसी परिचित या किसी ऐसी जगह से पैसा उधार ना लें जहाँ से आपको लगता है कि यह जगह ठीक नहीं है, लेकिन मजबूरी में पैसा मैं ले रहा हूँ या ले रही हूँ। तो कर्ज की स्थिति को ना बढ़ने दें, अपने क्रेडिट कार्ड से उतना ही पैसा खर्च करें जितना ज़रूरी हो, वरना कुछ समय बाद जब चुकाने की बारी आएगी तो दिक्कतें हो सकती हैं। धर्म कर्म ईश्वर में भक्ति में आपकी रुचि जो है मंगल बढ़ाएगा। मंगल पूजा पाठ, धर्म कर्म, छोटी मोटी यज्ञ वगैरह, हवन वगैरह में आपकी रुचि को बढ़ाएगा। घर में कोई पूजा हो सकती है, कोई फंक्शन हो सकता है, किसी का बर्थडे है तो आप हवन करा सकते हैं, किसी का कोई सगाई का प्रोग्राम है या मैरिज एनिवर्सरी है इत्यादि इत्यादि, इसमें आप पूजा पाठ से शुरुआत कर सकते हैं या किसी धर्म कर्म की यात्रा पर भी जा सकते हैं। तो इसलिए मंगल आपको धर्म से जोड़ने का काम करेंगे, दान पुण्य में भी आपकी रुचि रहेगी। आप खेल कूद में यदि अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो शुभ समय है। राजनीतिक सफलता के लिए शुभ समय है। पिता पुत्र के रिश्ते सुधरेंगे, पिता पुत्र के जो रिश्ते कुछ लोगों के तनावग्रस्त थे वह सुधर कर मधुर होंगे या उनमें कुछ नयापन आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि अब कुछ बेहतर हो रहा है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि कर्म क्षेत्र पर दृष्टि होने की वजह से प्रमोशन, सरकारी नौकरी में जो भी रुकावटें आ रही थी वह सब समाप्त होंगी और आपको पदोन्नति होने के पूर्ण चांस है। नौकरी सरकारी हो, प्राइवेट हो, अपना काम हो, कहीं नौकरी करते हो, किसी के साथ मिलकर व्यवसाय करते हो, वहां पर भी आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि आप चाहते हैं कि उच्च शिक्षा के लिए आपको विदेश जाना है तो आपके लिए मार्ग खुलेंगे। आप कुछ बड़ी पढ़ाई के लिए विदेश जा सकते हैं, आप कॉर्पोरेट की कुछ पढ़ाई करनी हो, कुछ एग्जीक्यूटिव MBA करना हो, कुछ नया सीखना हो, उसके लिए भी विदेश यात्रा कर सकते हैं। नई नौकरी के लिए भी आप विदेश जा सकते हैं, नौकरी विदेशों में अप्लाई करके भी आप लाभ कमा सकते हैं। तो बढ़िया सफलता के योग हैं, बढ़िया पैकेज आपको विदेशों में भी मिल सकते हैं। जन्मभूमि से दूर जाकर मंगल आपको पैसा कमवा सकते हैं नौकरी व्यापार के माध्यम से। विदेशी धरती से लाभ करवाने का उत्तम समय रहेगा। स्वभाव में चिड़चिड़ापन, क्रोध, जो शंकालु प्रवृत्ति होती है, शक करने की प्रवृत्ति है, इन सब से आपको बचना होगा। अत्यधिक जोश, उतावलापन और नशे संबंधित चीज़ों से बहुत दूर रखना होगा। ऐसी चीज़ों का सेवन बिल्कुल नहीं करना है जो आदमी को बेहोश कर देती हैं, जो होश को आदमी से दूर कर देती हैं। आदमी गलतियां तभी करता है जब उसके अंदर होश नहीं होता है, सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है। तो ऐसी नशे संबंधी, मादक पदार्थ, विलासिता संबंधी चीजों से, वासनाओं से आपको बचना होगा। अपनी माताजी, मौसी, मामा, नानी से रिश्ते बेहतर बनाने के आपको प्रयास करने होंगे। गुस्सा आपको अंधकार में लेकर जा सकता है, तो निश्चित ही गुस्सा और वासना और विलासिता और मादक पदार्थ यानी नशे संबंधी पदार्थ, नौकरी करने वाले, पढ़ने लिखने वाले बच्चे, छात्र छात्राएं, वैवाहिक हों या अविवाहित हों, बुजुर्ग हों या फिर जवान हों, गुस्सा क्रोध आपको अंधकार की राह पर लेके जा सकता है, जिसकी वजह से अच्छा समय होते हुए भी आप अपना नुकसान कर लेंगे। तो गुस्से क्रोध से बचने के लिए आपको इस समय में योग प्राणायाम का सहारा लेना चाहिए, मंगल देव की उपासना करनी चाहिए, शनि देव की उपासना करनी चाहिए। और सबसे बेहतरीन उपाय है जहां पे मंगल भी खुश और शनि देव भी खुश, और वह उपाय है हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी की आराधना। यदि आप इतना कर लेते हैं और जो बताई हुई सावधानियां हैं उनको मान लेते हैं तो निश्चित तौर पर यह समय नौकरी करने वाले, कॉर्पोरेट जगत से जुड़े लोगों के लिए और व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए अति उत्तम साबित होगा, और इस समय में की गई प्रगति उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगी। तो उम्मीद करता हूं राशि वाले समय का लाभ उठाएंगे, और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। खुश रहें, सौभाग्यशाली रहें।
ऐसे ही चैनल देखते रहे। हरिओम।